हमारे सीएमडी माननीय उपेंद्र राय जी का को मंच पर बुलाना चाहूंगा और एक स्मृति चिन्ह वो आपको भेंट करें। और ये आपके साथ दो सेशन हुए, दोनों ही बड़े शानदार रहे। एक बार मैं चाहूंगा कि ताली बजाकर, और अब हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी स्वागत करेंगे स्मृति चिन्ह देकर। पहले तो तुमने मैम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तुमने 5 बार कहा ऊर्जा, मैम के अंडर में बहुत सारे सेक्रेटरी पोस्टेड हैं अभी। और महाराष्ट्र के कुछ जो कहा जाता है कि बहुत ही उज्जवल और साफ सुथरे और अच्छे ऑफिसर्स में हम लोगों का गौरव है कि आबा मैम और लोकेश सर यहाँ पे बैठे हैं। और एक तरह से ऐसा लगा जैसे इन लोगों ने गार्जियनशिप ले करके ये पूरा इवेंट कंडक्ट कराया है। सर, इसके लिए बहुत आभार मैम, बहुत आभार। हम मैडम को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, इससे पहले एक वीडियो तैयार किया गया है, वीडियो भेजा, वही देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 30% बिजली की खपत राज्य के लगभग 25 करोड़ किसानों के लिए होती है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 50% बिजली रात्रि में उपलब्ध कराई जाती है। इस वजह से कृषक भाइयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेट जीरो संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है। कृषि सिंचन के लिए 100% विद्युत आपूर्ति दिन में करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की। राज्य में 1,00,000 किसान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में इस योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के मानस से योजना के स्वरूप एवं क्रियान्वयन के तत्वों में आमूलचूल परिवर्तन कर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 24 अप्रैल 2023 को लागू की गई। किसानों के लिए देश में पहली बार स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र में डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल जनरेशन की यह पहल है। सौर ऊर्जा के लिए शासकीय जमीन का चयन आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करके किया गया है। जमीन चिन्हित करने हेतु पीएम गतिशक्ति पोर्टल, राजस्व विभाग का महाभुलेख पोर्टल एवं महावितरण कंपनी के लैंड बैंक पोर्टल के इंटीग्रेशन के माध्यम से 3 महीने में 40,000 एकड़ शासकीय जमीन उपलब्ध कराई गई है। अनेक नव संकल्पनाओं के साथ पारदर्शी तरीके से योजना क्रियान्वयन को निवेशकों ने सराहा है। अभी तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है जो सितंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना को पीएम कुसुम सी के अंतर्गत 4,000 करोड़ की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। योजना के क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति की दर जो आज 8.50 रुपए है घटकर 3.08 रुपए रह जाएगी। इससे विद्युत खरीदी के खर्च में औसतन 10,000 करोड़ की सालाना बचत होगी। किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तथा सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 25,00,000 रुपए प्रति हेक्टर आमदनी भी होगी। सालाना 13,000 करोड़ रुपए की क्रॉस सब्सिडी हटने से उद्योगों को बिजली दर में राहत मिलेगी। राज्य सरकार की सालाना 4,500 करोड़ रुपए सब्सिडी बचेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 30,000 रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। महावितरण की वितरण हानि में कटौती होकर वित्तीय सुधार होगा। इस योजना को भारत सरकार ने स्वीकारा है तथा अन्य राज्यों को अनुकरण करने की सूचना निर्गमित की है। भविष्य में किसानों को पूर्ण रूप से 17,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी देने का संकल्प है जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संकल्प से बनी योजना सबका विकास करने वाली है। मैम एक बार फिर से आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय श्रीमती आभा शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। मैम इस समिट में आप आई और तमाम ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बारे में हमें अवगत कराया, जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। मैम से निवेदन है और मैं लोकेश सर को भी आमंत्रित करूंगा कि सर आप भी ऊपर आएं। और कुछ भारत एक्सप्रेस के ऐसे शुभचिंतक हैं, जब मैं चैनल शुरू कर रहा था संजोग से वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों को आप लोगों के हाथ ये स्मृति चिन्ह दिलवाना है। तो सबसे पहले बिस्मिल जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं यहाँ मौजूद
बहुत अच्छे उभरते हुए गायक हैं और पूरी दुनिया लगभग घूम के आए हैं। सबसे पहले मैं इनको बुलाऊंगा। ये वो लोग हैं जो भारत एक्सप्रेस की शक्ति है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री बिस्मिल का। बिस्मिल अभी अपना अमेरिका और यूरोप टूर करके लौटे हैं। मैम तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा समिट में आए और ऊर्जा की कमी अच्छा नहीं लग रहा। तालियां बजती रहनी चाहिए। बिस्मिल तुम मंच पे हो इस समय सभागार में, चूंकि एक सेशन से चूंकि उप मुख्यमंत्री जी गए तो उनके साथ बहुत सारे लोग खींच के चले गए हैं। अब थोड़ा इस सेशन में गैप है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी आवाज का परिचय दो। जो लोग नहीं जानते हैं कम से कम वो जाने कि मैं बिस्मिल की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। जी तुम्हारी ट्रॉफी मैं पकड़ लेता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया उपेंद्र राय जी का मुझे इससे सम्मानित करने के लिए, आपका शुक्रिया। तो दो लाइन मैं आप सबके लिए पेश करना चाहता हूँ। असल में मैं एक सूफी गायक हूँ, मैं सूफी गायन करता हूँ। तो उसमें एक सूफी कला में बड़ा खूबसूरत छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, तो उसकी दो लाइन आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पसंदीदा गाना है काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, नुसरत साहब का बड़ा खूबसूरत गाना है, तो वो पेश कर रहा हूँ। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितम गए हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दूसरा नाम मैं अपने छोटे भाई अक्षय को बुलाना चाहूंगा। भारत एक्सप्रेस जब चैनल बना था तो पहला आई कार्ड इनका बना था, दूसरा मेरा बना था। तो ये पहले दिन से और उससे बहुत पहले से भारत एक्सप्रेस के लिए बहुत साइड में रह के बैक ड्रॉप में रह के काम करते रहते हैं। आओ अक्षय। जतिन है यहाँ पे? हाँ प्लीज कम। तो जतिन तो वैसे पैसे से बहुत बड़े ज्वेलर हैं दिल्ली में, लेकिन हमारे रोज मिलने जुलने वालों में ये भी भारत एक्सप्रेस के आधार स्तंभों में से हैं। कम मानव कम्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और अक्षय के बारे में मैंने नहीं बताया, अक्षय ने बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट डिजाइन किए,
जैसे बॉम्बे में कोजी बॉक्स है, दिल्ली में कोजी बॉक्स है, अशोका होटल में ओफिलिया है, और एक बहुत ही कमाल का नाइट क्लब जो पिछले 5 सालों से नंबर 1 अवार्ड ले रहा है, ये अक्षय का परिचय था जो मैंने देने में थोड़ी कंजूसी की। और मानव इज आल्सो कम्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी एंड रियल इस्टेट इंडस्ट्री, 20 साल इन्होंने अपने जीवन के दुबई में बिताए। बाकी लिस्ट प्रीति के पास है। इस सभागार में हमारे साथ कुछ और गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। मंच पर अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री राघव अग्रवाल को, आप डायरेक्टर हैं रोटोसॉल से। श्री राघव अग्रवाल, देवियों और सज्जनों तालियां बजती रहनी चाहिए, हॉल में मौजूदगी लोगों की है, पता चलना चाहिए हम ऊर्जा समिट में शिरकत कर रहे हैं, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री जय किशन बजाज जी को, आप डायरेक्टर हैं आरवी पावर टेक से। मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर योगेश लखानी, सीएनडी ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड। योगेश जी, स्वागत है आपका। मैं खाना खाया था ना सबने, तालियां बजाते रहिए, कंजूसी मत कीजिए। डॉक्टर योगेश लखानी, सीएमडी ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड, इन्हें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।